हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो, न्यू एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो अभी सुबह का स्टार्ट हो रहा है कॉफ़ी से। अभी हमने ये जो यहाँ पर आके फ्रेशन अप होके इधर हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और बाकी अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। और कॉफ़ी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, नेस्कैफे का है। और कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं। और इधर हम बैठे हुए हैं होटल में, क्योंकि हमें अभी तक रूम नहीं मिला है, क्योंकि हमारा चेक इन 12 बजे था, हम आ गए थे 8:30 बजे 9 बजे तक। तो अभी 9 बज रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। हाँ अभी 10:19 बज रहा है, हम आ गए थे वही 8:30-9 बजे। तो अभी खाना खा लिए, फ्रेशन अप होके, और अभी इधर कॉफ़ी पियेंगे थोड़ा, और कॉफ़ी पी के रूम जाते हैं। जब हमको रूम देंगे तो हम रूम में चेक इन करेंगे। और आप ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, जो भी करेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, रूम में चेक इन करते हैं, रूम दिखाते हैं रूम कैसा है। तो गाइज़, अभी हम इधर थोड़ा बाहर आ गए हैं और आप पीछे देख सकते हो पहाड़ी है। और हम जिस होटल में रुके हैं, ये वाला होटल है, आपको बैक कैमरा करके मैं दिखाता हूँ होटल कैसा दिख रहा है। तो ये गाइस, इधर जो रोड आ रहा है, आप ये रोड देख सकते हो, ये हिडिंबा टेंपल इधर जो है बहुत ही फेमस है, तो उसका रोड है ये वाला। रोड से जब आप आओगे तो आप उधर देख सकते हो, उधर पूरा स्नो है, स्नो माउंटेंस है। वो वाला जो आपको वाइट वाला दिख रहा है, वो वाला पूरा स्नो है, स्नो माउंटेंस आपको पूरा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो रोड आपको दिख रहा है, ये वाला हिडिंबा टेंपल का रोड है। इधर से जब आओगे तो आपको ये पूरा रास्ते में मिल जाएगा, आते आते यहाँ पर देवलोक लिखा होगा, होटल देवलोक, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ठीक उसके बगल वाले रास्ते में जो ये वाला आपको दिखेगा होटल, मतलब दिख जाएगा, मतलब आप जब हिडिंबा टेंपल के रोड से आओगे तो आपको मॉल रोड से आओगे सीधा, फिर हिडिंबा टेंपल रोड में आओगे, आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ये वाला गिरेगा। और ये वाला है कॉपर रिजॉर्ट्स और DLS होटल। तो इधर हम रुके हुए हैं, इधर मेक माई ट्रिप से आप बुक भी कर सकते हो। इधर बहुत सारे होटल्स हैं, ऐसे छोटे बड़े सब होटल मिला के बहुत सारे होटल्स हैं। और हम इधर रुके हुए हैं, और इधर देख सकते हो गाइस, गार्बेज कलेक्शन के लिए ऐसा ये लोग रख दिए हैं। और बाकी इधर लोकल्स इधर घूमते रहते हैं। और वो तो स्नो माउंटेंस हो गया, आपको मैंने दिखाया स्नो माउंटेंस। और इस होटल में हम रुके हुए हैं, तो रूम जाके आपको अंदर से दिखाएंगे। हमारा सुपर डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम में मतलब 4-5 जन एक साथ रुक सकते हैं। तो उस रूम को हमने लिया हुआ है, वहाँ पर 5 जन आराम से रह सकते हैं उस रूम में, 4 बड़े आदमी, 5 बड़े आदमी, नहीं तो 4 बड़े आदमी एक बच्चा आराम से रह सकते हैं। तो ये पूरा आप जो देख रहे हो, ये है सब पेड़ पौधा जो माउंटेन्स के ऊपर रहता है, ये मतलब पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट ग्रो करता है ये सारा पेड़। आप पूरा जैसे ऊपर तक देख पा रहे होगे, पूरा पहाड़ में पूरा पेड़ है, पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट ग्रो करके रखा हुआ है। इस तरफ भी एक स्नो माउंटेन है, जैसे आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का, ये स्नो माउंटेन है। और क्या, हम तो इधर खड़े हुए हैं, तो और हम इधर खड़े हुए हैं इसमें, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हो, तो होटल रूम के अंदर जाएंगे, होटल रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा रूम है, क्या रूम है, आपको भी दिखाएंगे क्या रूम है, दिखाते हैं आपको भी, बताते हैं क्या क्या करना है। और गाइस, एक चीज़ आपको बताना था कि हम इस ब्लॉग का एंड में एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरा बता देंगे कि क्या प्रोसेस रहा, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो, और आप अगर फ्लाइट से आते हो आपको क्या क्या करना चाहिए, और क्या क्या आपको प्रोसीजर लगेगा करने के लिए, और बाकी फ़्लाइट आप कैसे पकड़ोगे, और फ्लाइट पकड़ने के बाद आप कौन सा स्टेट जाओगे, फिर वहाँ से कैसे बस लेके या फिर जो भी है ट्रांसपोर्टेशन मोड लेके यहाँ पर कैसे आओगे, सब बता देंगे। एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, एक या दो डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इस ट्रिप में जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा, जो भी वो छोटा मोटा, जो भी मोटा मोटा जितना खर्चा आएगा, आपको एक मतलब एस्टिमेट दे देंगे। और बाकी जो भी हमने घूमा वगैरह है तो उसको भी दिखा देंगे आपको इस सीरीज़ में, क्या किधर घूम रहे हैं वो तो आप देखोगे ही। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगा
वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी होटल रूम के अंदर जाके मिलते हैं। और गाइस इधर बाहर आप आओगे तो इतना सीनिक ब्यूटी अच्छा है, आपका दिल खुशी हो जाएगा। अगर आप लो फील कर रहे हो या फिर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में टेंशन चल रहा है, आप इधर आके मतलब अपना मूड फ्रेश कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो स्नो माउंटेन है ये पूरा इतना अच्छा दिख रहा है, मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जा रहा है। आपको दिखाता हूँ, तो आप उधर देख सकते हो ये वाला जो स्नो माउंटेन है कितना अच्छा दिख रहा है। तो यही बता रहा था मैं आपको, और अंदर जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी हम इधर आ चुके हैं रूम में, हमारा रूम नंबर 205, और ये रहा हमारा रूम। हम आते आते इधर हमारा एक कपबोर्ड है, और इधर जो भी हम हमारा सामान रख सकते हैं, अच्छा स्पेस है। और फिर इधर एक टेबल टॉप जैसा है, और इधर बाथरूम भी देख सकते हो आप, अच्छा है पूरा कंडीशन, और गीजर भी लगा हुआ है। और इधर एक मिरर है, और इधर आता आता एक टेबल टॉप है, टेबल है, और यह टीवी है, और ये रूम है, और यहाँ पर पंखा भी है, और यहाँ पर डाइनिंग टाइप का है, अच्छा है। तो ये अच्छा रूम है। तो फ्रेश अप होते हैं, नहाते हैं धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।